वेलकम फ्रेंड्स टू द अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन में हम कौन कौन से कंटेंट देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे टाइम स्टडी, उसके बाद टाइम स्टडी इक्विपमेंट, उसके बाद देखेंगे टाइम स्टडी की प्रोसीजर, उसके बाद देखेंगे फ्लाईबैक और कंटिन्यूस मेथड, और लास्ट में इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टाइम स्टडी क्या है। तो टाइम स्टडी के बारे में बात करें तो टाइम स्टडी इज अ टेक्निक और आर्ट, ऑब्जर्विंग टेक्निक है ये। आप इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑपरेशन और एलिमेंट, इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है या ऑपरेशन हो रही है, उसके रिकॉर्डिंग करने का और ऑब्जर्वेशन करने की ये टेक्निक है, आप उसे आर्ट भी कह सकते हो। ये टेक्निक वर्क मेजरमेंट की ये टेक्निक है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑपरेशन और एक्टिविटीज हो रही है उसे रिकॉर्डिंग करने का काम करेगी। टाइम स्टडी मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। टाइम स्टडी के बारे में बात करें तो टाइम स्टडी डेवलप की थी फ्रेडरिक विंसेंट टेलर ने, और मोशन स्टडी के बारे में बात करूं तो गिलबर्ट ने मोशन स्टडी डेवलप की थी। तो टाइम स्टडी जो क्या करता है, हमको टाइम स्टडी हमको स्टैंडर्ड टाइम देगा, पर ऐसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट नहीं करते। हर एक एलिमेंट का टाइम हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस पर टॉलरेंस देंगे और लास्ट में स्टैंडर्ड टाइम हमको मिलेगा। तो टाइम स्टडी इज आर्ट और ऑब्जर्विंग टेक्निक है। किसकी? तो के वर्क मेजरमेंट की टाइम स्टडी टेक्निक है। अब हम आगे बात करें तो टाइम स्टडी के कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पे हमने दिखाए गए, कौन कौन से इक्विपमेंट है। तो टाइम स्टडी के दो टाइप के इक्विपमेंट यूज होते हैं टाइम स्टडी के अंदर। सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट? टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट। टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि यह टाइम रिकॉर्ड करने का काम करता है। क्या करता है? यह टाइम रिकॉर्ड करने का काम करता है। किस चीज का? तो कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिस चीज का हमको स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना है, उसका टाइम रिकॉर्ड करने का काम यह इक्विपमेंट से होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट है तो आपको यहां पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले स्टॉपवॉच, उसके बाद काइमोग्राफ, विंग काउंटर, मैस्ट्रोक्रॉन, वीडियो काउंटर और टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। तो यह सब इक्विपमेंट यहां पर दिखाए, ये इक्विपमेंट टाइम मेजरिंग करने का काम करेंगे। टाइम स्टडी के दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, पहले टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट और उसके बाद है टाइम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, जो सपोर्टिंग एलिमेंट है। टाइम स्टडी के दूसरा एलिमेंट को दूसरे इक्विपमेंट कौन से? तो टाइम के, टाइम तो मेजर करता है, टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट, पर उसका सपोर्ट करने का काम कौन से इक्विपमेंट करेंगे? तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी इक्विपमेंट दिखाए गए। कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है? तो टाइम स्टडी बॉल, टाइम स्टडी फॉर्म और कैलकुलेटर, लास्ट में पेंसिल भी यूज कर सकते हो। तो यह इक्विपमेंट क्या करते हैं उसके बारे में हम बात करें तो टाइम स्टडी बॉल, जो टाइम स्टडी बॉल होता है उस पर टाइम स्टडी फॉर्म लगाया जाता है, और इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है जिसकी हमको टाइम स्टडी करनी है, उसका सभी रिकॉर्डिंग इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ डेटा में डिनोट करते हैं हम। टाइम स्टडी फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी एक्टिविटी के हम टाइम स्टडी करते हैं उसका जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, तो यहां पर नोट किया जाएगा। कैलकुलेटर, तो स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए कितना टॉलरेंस देना है, कितना अलाउंस देना है टाइम के अंदर, तो कैलकुलेटर से होगा, और पेंसिल भी यूज होती है। तो यहाँ पर ये सब ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, सपोर्टिंग एलिमेंट कह सकते हैं हम टाइम स्टडी के। तो टाइम स्टडी की बात करूं कैसे टाइम स्टडी की जाती है, तो हम आगे बात करेंगे टाइम स्टडी की प्रोसीजर, यहाँ पर आपको दिखाई गई है टाइम स्टडी की प्रोसीजर। टाइम स्टडी की प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द जॉब टू बी टाइम, जिस चीज की आपको टाइम स्टडी करनी है उससे उसके वो पहले सिलेक्ट करिए आप। उसके बाद स्टैंडर्डाइज द मेथड, जिस मेथड से आपको टाइम स्टडी करनी है वो मेथड स्टैंडर्डाइज कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट द ऑपरेटर, जिस एलिमेंट की टाइम स्टडी आपको करनी है तो वो ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे प्रोसीजर में हम बात करें कि कैसी प्रोसीजर की जाती है, तो यहाँ पर आपको स्टेप दिखाए गए। मैं आपको डिटेल में बताऊं कि टाइम स्टडी एक्चुअल में कैसे की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। तो टाइम स्टडी कोई एक बंदे पर नहीं की जाती है, जिस भी एलिमेंट की आपको टाइम स्टडी करनी है तो वो टाइम स्टडी इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स की जाती है।
एक ऑपरेटर पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, ये एक्सपेरिमेंट है एक ऑपरेटर पर नहीं किया जाता, नंबर ऑफ टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है और नंबर ऑफ ऑपरेटर पर ये किया जाता है। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, जो टाइम मिलता है वो टाइम हमको एवरेज निकालनी है और उसके बाद हमको उस पर अलाउंस या टॉलरेंस देना है जिससे वही एलिमेंट का हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तो बात हुई एलिमेंट की, एक एलिमेंट की। अब प्रोसेस साइकिल की पूरी बात करें कि कोई प्रोसेस साइकिल हो रही है तो प्रोसेस साइकिल में नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का इसी तरह से आपको टाइम फाइंड आउट करना है और उसके बाद आखिर में एक प्रोसेस साइकिल का स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा हमको। तो ऐसे यहां पर जो स्टेप दिखाए गए आपको, इसी स्टेप से टाइम स्टडी की जाती है। और जो टाइम स्टडी का मेन इक्विपमेंट है, मैंने बोला कि टाइम स्टडी के इक्विपमेंट कौन कौन से, तो स्टॉप वॉच का यूज सबसे ज्यादा होता है टाइम स्टडी के अंदर। अब बात करेंगे आगे कि टाइम स्टडी के अंदर आगे कौन कौन सी चीज हमें देखनी है। तो टाइम स्टडी के बारे में बात करें तो फ्लाईबैक मेथड और कंटिन्यूस मेथड, दो मेथड आती है, फ्लाईबैक मेथड और कंटिन्यूस मेथड टाइम मेजरिंग के लिए। तो फ्लाईबैक मेथड के अंदर क्या होता है आपको यहां पर दिखाया गया है कि फ्लाईबैक मेथड है क्या, आप जो एलिमेंट का रिकॉर्ड मींस टाइम मेजर कर रहे हो उसमें सबसे पहले कि एक एलिमेंट है जिस सबसे पहले बात करें एक एग्जांपल से, तो एक वर्कर को हमने एक एलिमेंट पर काम करने को दिया हुआ है। अब वो एलिमेंट कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा, मींस कि एक जॉब है वो जॉब को फाइनल फिनिश प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करने का काम हमने एक ऑपरेटर को दिया हुआ है। वो जॉब पे नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं जैसे टर्निंग है, फेसिंग है, ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, पर जो टर्निंग है वो एक एलिमेंट है। तो फ्लाईबैक मेथड में होता क्या है कि एलिमेंट का टाइम रिकॉर्ड करना है, आप पूरा जॉब का टाइम रिकॉर्ड नहीं करना है कि पूरा जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, आपको एक एक एलिमेंट का टाइम रिकॉर्ड करना है फ्लाईबैक मेथड में। तो आपके हाथ में स्टॉपवॉच होगी, जैसे कि टर्निंग शुरू हुआ तो स्टॉपवॉच स्टार्ट करेंगे आप, उसके बाद टर्निंग ऑपरेशन खत्म हुआ तो आप स्टॉपवॉच एंड करेंगे, मींस जो उसका नॉब है आप प्रेस करेंगे तो स्टॉपवॉच का जो होता है जो स्टॉपवॉच का वो रीडिंग 0 फिर से आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का टाइम नोट करना है आपको यहाँ पर, ये फ्लाईबैक मेथड है। अब कंटिन्यूस मेथड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस मेथड दिखाई गई है। कंटिन्यूस मेथड के अंदर होता क्या, एक बार स्टॉपवॉच शुरू की उसके बाद जब तक आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता, मींस के टर्निंग, फेसिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन सब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हमको मिल जाती है तब का टाइम आपको नोट करना है। जैसे हमने फ्लाईबैक मेथड में देखा कि एक एक एलिमेंट का टाइम नोट डाउन करते थे, यहां पर एक एक एलिमेंट का टाइम हमको नोट डाउन नहीं करना है। जैसे ही स्टॉपवॉच शुरू की हमने और आखिर का एलिमेंट है जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन नहीं है, उसके बाद हमको फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिल जाती है तो वहां पर हम नॉब को प्रेस करेंगे और स्टॉप कर देंगे स्टॉपवॉच को और उसका टाइम नोट डाउन करना है, मींस पूरी साइकिल का टाइम हमको कंटिन्यूस मेथड में मिलता है। अब यहां पर बात करें के फ्लाईबैक और कंटिन्यूस मेथड में है क्या, तो फ्लाईबैक मेथड के बारे में मैं बात करूं तो उसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहां पर कंटिन्यूस मेथड की बात करूं तो उसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी कम है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आपको कंटिन्यूस मेथड में ज्यादा मिलेगी। फ्लाईबैक मेथड की एक्यूरेसी की बात करें तो कंपैरेटिवली कंटिन्यूस की मेथड फ्लाईबैक मेथड की एक्यूरेसी कम है। प्रीफरेबल बात करें कि कौन सी मेथड प्रीफरेबल इंडस्ट्री के अंदर है तो कंटिन्यूस मेथड ज्यादा प्रीफर की जाती है और कंपैरेटिवली फ्लाईबैक मेथड पर। तो यहां पर हमने डिस्कशन की कि फ्लाईबैक कंटिन्यूस मेथड है क्या, टाइम स्टडी की इक्विपमेंट देखे, टाइम स्टडी की प्रोसीजर के बारे में बात की और टाइम स्टडी है क्या उसके बारे में यहां पर डिस्कशन की। इस सेशन में हमने टाइम स्टडी की इक्विपमेंट, टाइम स्टडी कैसे की जाती है, उसकी प्रोसीजर, फ्लाईबैक मेथड क्या है, कंटिन्यूस मेथड क्या है, सभी चीज यहाँ पर डिस्कशन की है। आखिर में आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ है उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, उसके बाद उसके आंसर दे सकते हैं और गूगल फॉर्म के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर आपके उसके आंसर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।